आज का दिन कितना सुहाना है, मौसम भी कितना अच्छा है। आज तो मैं अपने खेतों में प्याज लगाने वाली हूँ, ताकि कुछ दिनों में वो बहुत बड़ी हो जाए और उन्हें मैं बाजार में बेच सकूं। और कुछ प्याज में सलाद बनाकर खाऊंगी। मुझे तो प्याज खानी बहुत पसंद है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में आज प्याज के बीज बोने वाली थी। वो बड़ी मेहनत से महीनों काम करके प्याज की खेती करती है, जिसकी वह हर रोज देखरेख किया करती थी और वक्त वक्त पर खाद और पानी डालती और रोज देखती कि उसकी प्याज सही तरीके से उग रही है या नहीं। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, अरे टुनटुनी, मैंने सुना है तुमने प्याज की खेती की है और मुझे बताया भी नहीं तुमने। मुझे प्याज की खेती के बारे में बहुत कुछ पता है कि इस मौसम में प्याज लगानी चाहिए या नहीं और पानी और खाद कितने देने चाहिए। सब कुछ तू एक बार मुझसे पूछ तो लेती, मैं तुझे अच्छी सलाह देता, पर तू तो ठहरी जिद्दी चिड़िया, अपने आगे किसी की नहीं सुनती। अरे जारी कालू, बड़ा है प्याज की खेती करने वाला। अगर ये सब इतना ही आता है तुझे, तो तू ही क्यों नहीं कर लेता प्याज की खेती। और ये सब कुछ तू अपनी बीवी गोरी कौवी को समझा दे। हर बार टांग अड़ाना ठीक नहीं। मैं कोई बेवकूफ चिड़िया थोड़ी हूँ, मुझे भी इन खेती की सब नॉलेज है। अब जा जाकर तू अपना काम कर, मेरी फिक्र ना कर तू, मैं अपना देख लूंगी। ये सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी तू मेरी दोस्त है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरी प्याज की फसल बर्बाद हो। देख टुनटुनी, प्याज की फसल अब तेरे हाथों में है, मेरा काम था तुझे समझाना, अब तू जाने, बाकी तेरी मर्जी, हम चलते हैं बहन। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। आया बड़ा चालाक कौवा, मैंने इस बार इस प्याज की खेती के लिए बहुत मेहनत की है। हे ऊपर वाले, अब सब कुछ तेरे हाथ में है, मेरी फसल बर्बाद होने मत देना। फिर रात हो जाती है। टुनटुनी सोते सोते कालू और गौरी की बात याद करती रहती है। फिर अगली सुबह, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जरा जल्दी उठ, देख तेरे खेत में तेरी फसल का क्या हाल है, चल जल्दी से मेरे साथ चल। तभी टुनटुनी भूरा चिड़ा के साथ उड़कर अपने खेत में आती है और वहाँ देखती है कि उसकी सारी प्याज सफेद रंग के हो गई है। वो ये सब देख कर हैरान हो जाती है। ऊपर वाली, ये सब क्या हो गया, मेरी प्याज की खेती, मैंने कितनी मेहनत की थी इस फसल को उगाने के लिए, ना जाने सब कैसे हो गया। मैंने तो आज तक प्याज का रंग लाल या गुलाबी देखा था और ये प्याज तो सफेद रंग की हो गए। ये क्या, पर देखने में तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। इसे मैं खाकर देखती हूँ, आखिर ये स्वाद में कैसे लग रहे हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया वो प्याज तोड़कर खाने लगती है। अरे वाह, ये तो प्याज से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, ये कितनी अच्छी लग रही है खाने में। फिर टुनटुनी और भूरा चिड़ा आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये देखकर कालू अपनी पत्नी गौरी से कहता है, अरे ये क्या गोरी, ये सब क्या हो गया, हम दोनों ने तो कल रात में ही बहुत सारे कीड़े छोड़े थे इस टुनटुनी के खेत में, ताकि टुनटुनी की प्याज की फसल बर्बाद हो जाए और इसे अपनी औकात पता चल जाए, पर ये तो उल्टा हो गया। अरे हाँ कालू जी, उन कीड़ों ने तो प्याज को गुलाबी से सफेद बना दिया, हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई, अब क्या होगा। तभी टुनटुनी के खेत पर मुखिया हरिया तोता आते हैं और टुनटुनी से कहते हैं, अरे टुनटुनी, तुमने तो प्याज को गुलाबी से सफेद कर दिया, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अरे बाबा रे बाबा, मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। इसके बारे में मेरे दादाजी कहा करते थे, जिसके भी खेत में जिस दिन सफेद प्याज उग जाएंगे, तभी वो ही जंगल का मुखिया कहलाएगा। ये सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आते हैं और मुखिया हरिया तोता से कहते हैं, इसका मतलब तो हम दोनों इस जंगल के असली मुखिया बनने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर कल रात में बहुत मेहनत से ढेर सारे कीड़े डाले थे इस टुनटुनी की फसल में, ताकि ये फसल बर्बाद हो जाए, पर हमें क्या पता था ये चाल हम पर भारी पड़ जाएगी, पर कोई बात नहीं, अब हम इस जंगल के मुखिया बनेंगे। ये सब सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर मुखिया हरिया तोता टुनटुनी से कहते हैं, देखो टुनटुनी, असली दोस्त कौन है, कल रात मैं यहाँ से जा रहा था, तब मैंने देखा कि इन दोनों ने मिलके तुम्हारी फसल में कीड़े छोड़ दिए, ताकि तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाए, और मैंने सुबह होने का इंतजार किया, ताकि तुम खुद देख लो कि ये सब किसने किया है।
हमें माफ कर दो टुनटुनी, हमने तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर डाली। हम आगे से फिर कभी ऐसे दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है कालू गोरी, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। अगली बार ऐसा काम कभी न करना कि तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है, अब जाओ तुम दोनों यहाँ से। फिर भूरा चिड़ा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, तुमने इन दोनों को इतनी आसानी से माफ कर दिया। तुम्हें इनको कोई सजा देनी चाहिए थी ताकि वो कभी दोबारा ऐसा किसी के साथ ना करें। भूरा भैया, वो इसलिए कि इन दोनों कौवा कौवी की वजह से मेरे प्याज और भी सुंदर स्वादिष्ट बन गए, इसलिए मैंने इन्हें कोई सजा नहीं दी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया फिर उन सभी सफेद प्याजों को बाजार में बेच आती है और उसे उसकी अच्छी कीमत मिलती है। फिर वो खुशी खुशी प्याज की खेती करके अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। हरिपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता उसके बचपन में ही मर गए थे, तब से उसकी माँ ही हर तरह से टुनटुनी की परवरिश करती थी। अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर माँ टूनी बहुत मेहनत करती थी। और टुनटुनी अभी छोटी थी इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर जाती थी। ऐसे ही एक दिन अपना काम खत्म करके घर लौटते वक्त टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भूख लग रही है, घर पहुँचने में अभी काफी समय लगेगा, मैं तब तक भूखी नहीं रह सकती। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, आओ रुको यहाँ खाना खाते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 39/6 कितने होते हैं। ये कहते हुए वो दोनों एक पेड़ के पास रुकते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा लेटकर कांप रहे थे। उसे देखकर टुनटुनी उससे पूछती है, बाबा जी आप यहाँ क्यों बैठे हो, उठिए, क्या हुआ आपको? इतने बड़े जंगल में अकेले, इसका मतलब ये रास्ता भूल गए होंगे। इन्हें उठाओ बेटा, खाने के लिए कुछ देते हैं। इतने में वो बूढ़े बाबा होश में आकर कहते हैं, प्यास प्यास लग रही है। टुनटुनी जल्दी जल्दी उन्हें अपने पास जो पानी है वो देती है। पानी पीने के बाद, ये लीजिए बाबा जी, रोटियाँ खाइए, आपको ताकत मिलेगी। ये कहते हुए वो अपनी सारी रोटी उस बूढ़े बाबा को दे देती है और खुद भूखी रहती है। वो बाबा उन रोटियों को एक चुटकी में खा लेता है। कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हो बाबा जी, ये लो ये भी खा लो। ये कहते हुए टुनी भी अपनी सारी रोटियाँ दे देती है। बेटा, मुझे रोटियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल भी नहीं मिटी है। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास खाने के लिए जो कुछ भी था वो सब अपने आप को दे दिया। आप हमारे घर आ जाइए, जितनी चाहे उतनी रोटियां बना कर दूंगी। मेरी माँ जो बात कहती है वो करके दिखाती है बाबा जी, मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, ये बात भी मुझे माँ ने ही सिखाई थी, वो आपकी मदद जरूर करेंगी। ये बात सुनते ही वो बूढ़ा बाबा एक बड़े से बिल्ली में बदल जाता है और टुनटुनी और टूनी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब बताओ मेरी भूख मिटाने के लिए कितनी रोटियां बनाओगी? मदद करने के लिए आकार से या जीव से कोई मतलब नहीं है, मदद तो मदद होती है। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारी भूख मिटाऊंगी, मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगी। ये कहते टूनी अपने घर जाके टोकरी भर की रोटियां बनाकर लाती है, लेकिन वो बिल्ला उन सारी रोटियों को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरी भूख अभी कम नहीं हुई है, और रोटियां लाओ। फिर से टूनी घर जाकर अगले दिन सुबह 2 टोकरियां भर कर रोटियां लेकर आती है, वो उन रोटियों को भी एक ही बार में खा लेता है। मेरी भूख अभी भी कम नहीं हुई है। अगले दिन 5 टोकरियां भर की रोटियां बनाते ही घर में सारा आटा खत्म हो जाता है। अब तो घर में भी आटा खत्म हो गया है माँ, अभी भी बिल्ला भैया की भूख नहीं मिटी तो हम क्या करेंगे? बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए या बिल्ला मुझे सजा दे तो तुम अपना ख्याल रखना बेटा, वो बस तुम्हें कुछ न करे, यही काफी है।
ये कहते हुए टूनी अपनी बेटी को पास बिठाकर रोने लगती है। इतने में वो बिल्ला उनके घर आता है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये लो 5 टोकरी रोटियां है। इन्हें खाने के बाद भी अगर तुम्हारी भूख नहीं मिटी तो, और रोटियां बनाने के लिए मेरे पास आटा नहीं है, अब तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो। इतना सुनते ही वो विशाल बिल्ला एक परी चिड़िया के रूप में बदल जाती है। आप लोगों के कितने अच्छे दिल हैं। मैं आप लोगों से मिल पाई हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी। आप लोगों के बारे में जानने के लिए मैंने वो राक्षसी रूप लिया था, लेकिन आपने अपनी जुबान की खातिर अपना सब कुछ मुझे दे रहे थे। आप लोगों की अच्छाई मदद करने की हृदय के लिए मैं आपको एक इनाम देना चाहती हूँ। ये कहते हुए एक रोटी बनाने वाली मशीन को जादू से बनाकर वो उन्हें दे देती है। ये एक रोटियां बनाने वाला यंत्र है। इससे रोटियां बनाने के लिए आपको इसमें आटा डालने की भी जरूरत नहीं है। बस इसे अपने हाथ से घुमाते जाओ और इसमें से रोटियां निकलती जाएंगी। इसकी मदद से आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इससे आप दूसरों की मदद भी कर सकती है। ये कहते हुए वो देव परी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टूनी उस यंत्र को इस्तेमाल करके अपने व्यापार को शुरू करती है। उसने जैसा सोचा था कि एक वैसे ही टुनटुनी के अच्छे स्कूल में पढ़ाती है, ऐसे ही बहुत सारे गरीब पक्षियों की भूख भी मिटाती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या ताजे ताजे अंडे खाने को मिला है मुझे, और कितनी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। चलो अब मैं जल्दी से इसे खा लेता हूँ, नहीं तो कोई यहाँ आ जाएगा तो मुझे देख लेगा। ये कहकर बिल्लू बिल्ला उस चिड़िया के अंडे को खा जाता है और खाने के बाद कहता है, वाह कितना स्वादिष्ट अंडा था, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने सुबह का नाश्ता तो कर लिया, अब मैं शाम के नाश्ते का भी बंदोबस्त करता हूँ। तभी रानो चिड़िया भी नदी से पानी पीकर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपने अंडे को अपने घोंसले में ना पाकर जोर से रोने लगती है। कितनी आशाएं लगाई थी इस बार मैंने कि मेरी अंडे से बच्चा स्वस्थ निकलेगा, लेकिन इस बार भी वो दुष बिल्लू बिल्ला मेरे अंडे को खा गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस जंगल में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा शायद। मेरे नसीब में संतान का सुख है ही नहीं। रानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि तभी उसका पति भूरा चिड़ा दाना लेकर घर आता है। क्या हुआ रानो, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या फिर से वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला हमारे अंडों को खा गया? हाँ, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला फिर से मेरे अंडे को खा गया। चुप हो जाओ रानो, चुप हो जाओ, ऐसे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। रानो चिड़िया बिना कुछ कहे नदी से पानी पीने चली जाती है। रानो चिड़िया सुनो, ये अब नदी पर जाकर अकेले बैठकर रोएगी, मैं इसे कैसे समझाऊं? ये दुख इस अकेली का नहीं है, मेरा भी है। रानो चिड़िया नदी पर बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ गोरी आ जाती है। चिड़िया क्या हुआ, क्या फिर से वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला तुम्हारा अंडा खा गया? चिड़िया बोले बिना ही अपना सर हिला देती है। मैं समझ सकती हूँ, संतान न होने से घर खाने को होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रानो मैं तो कहती हूँ कि तुम अनाथालय से किसी चिड़िया का बच्चा गोद ले लो, तुम्हें खुशियाँ ही मिल जाएंगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ गोरी बहन, कहाँ तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? चिड़िया अनाथालय, अभी वहाँ एक चिड़िया का बच्चा आया है, तुम उसे गोद ले लो, मेरा कहना मानो और चलो मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया गोरी के साथ अनाथालय चली जाती है। हम बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, तुम भी इसे प्यार से रखना। इसका नाम टुनटुनी है और ये नाम इसका हमने रखा है क्योंकि जब ये हमें मिली थी तो ये बेनाम थी। ये तो सच में बहुत सुंदर है, देखो तो रानो इसकी चोंच भी तुम्हारी जैसी है। फिर चिड़िया उस बच्ची को अपने घर लेकर आ जाती है। रानो तुम्हारी बात तो एकदम ठीक है, हम पाल लेंगे इस बच्ची को और इसे अपनी संतान ही मानेंगे, परंतु मुझे एक डर है, यही कि कल को ये बच्चा बड़ा होकर हमें भी अपने माता पिता समझेगा या फिर नहीं। माँ बाप कभी अपनी संतान से अपने पालन पोषण का बदला नहीं मांगते, हम इसे जो प्यार देंगे वो बिना लालच का होगा। मुझे तो अभी इस बच्चे से प्यार हो गया है।
मेरी मम्मा पापा और मैं बारिश भी अपने घर जा रही थी, तभी वो मेरे मम्मा पापा मर गए। मैं बहुत रोई, तभी मुझे बुलबुल आंटी ने नाताली छोड़ दिया। अब मेरा कोई भी नहीं है। ये कहते हुए वो बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। शायद उसका दिल भरा हुआ था जो अपने आंसुओं को छिपाए बैठी थी, लेकिन अब उसके आंसू ऐसे बरस रहे थे जैसे कि आसमान से बारिश की बूंदें। तभी मम्मा चिड़िया उसे अपने गले से लगा लेती है। चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ, अब तुम ऐसे कभी मत रोना, हम हैं तो तुम्हारी मम्मा पापा, चलो अब तुम हंसकर दिखाओ। फिर ऐसे वो बच्ची सब में घुल मिल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए टुनटुनी उस घर को अपना घर समझने लगती है, वो सब भूल जाती है और फिर एक नई खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करती है। टुनटुनी देखो तो आज मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे पापा आज मेरे लिए मीठा फल लेकर आए हैं। मैं हार गया, आज मैं अपनी बेटी के लिए सचमुच ही मीठा फल लेकर आया हूँ। मैं जीत गई, मैं जीत गई, और मैंने सच बता दिया मेरे पापा मेरे लिए क्या लाए हैं। फिर टुनटुनी उस मीठे फल को खाने लगती है। समय बीतता गया और एक महीना बीत गया और अब रानो एक अंडा देती है और वो बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी सी डरी हुई भी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारी अंडे से बच्चा जरूर निकलेगा। मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई आएगा और मैं अपने भाई के साथ खेला करूँगी। पापा चिड़िया रोजाना अपने परिवार के लिए मीठे मीठे फल लाता और मम्मा चिड़िया घोंसले में बैठकर अपने अंडे का ख्याल रखती। फिर कुछ दिनों बाद उसके अंडे से एक स्वस्थ बच्चा निकलता है। टुनटुनी आपका भाई आ गया और आपका कहना भी सच हो गया, अंडे से एक बेटा ही निकला है। मैं अब अपने छोटे भाई के साथ नदी पर जाया करूंगी और अपने पापा के साथ भोजन की खोज में। लेकिन पापा मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, क्या अब भी आप मुझसे इतना ही प्यार करोगे? क्यों नहीं बेटा, आपके आने से तो हमारे घर में खुशी आई है। फिर दूसरे रोज मम्मा चिड़िया टुनटुनी से कहती है। बेटा हम दोनों बाहर जा रहे हैं, आप अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर से निकल जाते हैं। रानो कहीं ऐसा ना हो कि टुनटुनी अपने छोटे भाई को स्वीकार ना करे। आप ऐसा गलत क्यों सोचते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों भाई बहन में बहुत प्यार हो। टुनटुनी समझदार है और मुझे विश्वास है कि वो दोनों बहुत प्यार से रहेंगे और वो हमेशा हमारी बड़ी बेटी बनकर ही रहेगी। भोजन भी तो लाना होता है, हम कैसे दोनों में पूरा पूरा न्याय कर सकेंगे। टुनटुनी के पापा आप छोड़ो इस बात को, मैं सब कर लूंगी। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और अब उन दोनों ने अच्छे से उड़ना भी सीख लिया था। चलो भाई नदी पर जाते हैं, वहाँ जाकर छुपन छुपाई खेलेंगे। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश थी है। फिर वो दोनों भाई बहन नदी पर आ जाते हैं। दीदी देखो ये चावल के दाने पड़े हैं, आप ये खा लो। नहीं भाई मुझे भूख नहीं है, आप ये चावल के दाने खा लो। सब पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए हर खाने की चीज आप पहले मुझे खाने के लिए देती हो, लेकिन आज मैं अकेले नहीं खाऊंगा, चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। फिर वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जान देते थे क्योंकि उन दोनों में बहुत प्यार था।